आज की हमारी रेसिपी है पालक मेथी आलू की। बहुत ही खास बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, तो आप लाजमी से इसे ट्राई करें। और ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते रुकेंगे नहीं। सो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम इसे। सबसे पहले मैंने 1 किलो पालक ले ली है और इसे अच्छे से साफ़ करके धो लिया है 3 से 4 पानी से। पालक में बहुत मिट्टी होती है इसीलिए अच्छे से धोएं इसे। और 2 ग्लास पानी डाल दिया इसमें। और 2 बड़े आलू ले लिए हैं मैंने, उसे छील कर काट लिया है और ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। और इसके अंदर डालेंगे हम नमक, 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। अब इसे उबालेंगे। गैस पर चढ़ा दिए मैंने ये पतीले को। एक उबाल आने के बाद मैंने डाल दिए इसमें 2 मिर्ची, हरी मिर्चें हैं 2 डाल दिए मैंने। और अब पकाएंगे हम इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन। ढक्कन इस तरह खोल कर पकाएं, पानी बाहर आ सकता है इसीलिए। आधा घंटा हो चुका है और आलू और पालक तैयार है, दोनों पक चुके हैं। आलू को अलग निकाल लेंगे हम प्लेट में और पालक को अलग। पालक को निकालने के बाद कोई भी फूड प्रोसेसर में या फिर आप ब्लेंडर में डालकर पीस लें पालक को। मिर्ची खाना पसंद करते हैं अगर ज़्यादा तो आप मिर्ची भी पीस लें, अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं मिर्ची को और इसे पीस लें। कोई भी चीज़ में डालकर बस आप इसे पीस लें पालक को और इसकी बस चटनी की तरह बना लें आप इस पालक को। पानी फेंक दें इसका। अब उसी पतीली में मैंने 3 टेबलस्पून तेल ले लिया है और इसमें डाल दूंगी 1 लहसुन का जवा, बारीक चॉप करके बारीक काट लेना है मैंने और इसमें डाल देना है। इस तरीके से बारीक आप काट लें। जल्दी से काटने के बाद इसे डाल दें इसके अंदर और उबल थोड़ी देर ये मतलब होने दें जो भी हो रहा है ये। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं कड़ी पत्ते, तकरीबन 10 से 12 कड़ी पत्ते थे वो डाल दिए हैं। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल देना है इसमें, साबुत ज़ीरा है ये। और इसे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे। और अब मैंने डाल देने हैं इसमें टमाटर, जो मैंने 3 बड़े टमाटर बड़े बड़े काट कर रख लिए हैं मैंने बड़े बड़े, से भी डाल देंगे। और ढक्कन ढक लें फ़ौरन से, टमाटरों की अकड़ ख़त्म हो जाए तब तक इसे पकाएं। और मतलब इनकी जब देखें इनकी हालत ख़राब है, मतलब चटनी बनने के लायक है, तो आप इसे चटनी बना लें अच्छे से, मसल कर पीस लें, मतलब चटनी बना लें बिल्कुल अच्छे से इसकी। इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टीस्पून है। और इसे भी भूनेंगे अच्छे से। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। और बस और कुछ नहीं जाएगा। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद भूनेंगे हम थोड़ी देर और, बस भूनते रहना आपने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसकी चटनी बन जाए। और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक और ये मेथी है, ये मेथी 1 कप मेथी है जो मैंने बारीक चॉप करके डाली है। इसे अच्छे से कर लेंगे फ्राई हम। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम पालक, हमारी पीसी हुई पालक। ये पीसी हुई पालक है, इस तरीके से आपने पीस लेनी है पालक, देखें। और अब मिक्स करने के बाद देखें क्या मज़े की बन जाती है पालक और मेथी। अब इसे भी अच्छे से भूनेंगे, तेल ऊपर आने तक हम इसे भूनेंगे। और अब डाल देने मैंने उबले हुए आलू जो हमने उबाल के रखे थे पालक के साथ। इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और थोड़ी देर के लिए हम दम पर रखेंगे आलू और पालक को, क्योंकि आलू हमारे फीके हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। अब तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये पालक तैयार है हमारी। ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताएं और अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए ये भी बताएं। और अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें मुझे। मिलूंगी जल्दी ही इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।